अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा सबसे पहले तो आप लोग ना दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करें। यू आर द चूजन वन, सिलेक्टेड वन। यकीन करें ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को मिलती है। ठीक, अच्छा उसके बाद शुक्र अभी नहीं करना, जैसे मिस कह रही थी इसको अपनी हैबिट बनाएं। इंसान है ना, दिमाग जो है ना, दिमाग बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग अल्लाह ताला पाक ने एक चीज़ बनाई है। इसने कंटिन्यूसली काम करना है, जिसमें मिस कह रही थी ना कि वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, फोकस कहीं ना कहीं जाता रहना है। दो तरीके होते हैं, या तो फोकस कहीं चला जाएगा या आप डायरेक्ट करेंगे। तो अगर तरक्की करनी है, अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है, तो अपने दिमाग को डायरेक्ट करना सीखें। फोकस, अपने दिमाग को बताएं कि मैंने क्या सोचना है। तो ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजार, दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो हम कर सकते हैं। और स्टार्ट योर डे विद द ग्रेटिट्यूड, अल्लाह का शुक्र अदा करें, फिर दिन शुरू करें। सो थैंक यू वेरी मच जी शाहजी फॉर इन्वाइटिंग मी हेयर। मेरा नाम रज़ा अशरफ है, आई हैव 20 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का जी। आई हैव वर्कड विद द वर्ल्ड्स बेस्ट ब्रांड कोक, बताने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को पता है, आप इन्जॉय करते रहें। आई हैव वर्कड इन पाकिस्तान, टर्की, इराक, आज़रबाईजान, और ड्यूरिंग दिस 20 ईयर्स आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द कंसल्टेंट्स और लेट मी से जो इंडस्ट्री के लोग हैं फ्रॉम अमेरिका, इंडिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, या कजाकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, ताजिकिस्तान, इराक, जॉर्डन, फिलिपाइन। आई हैव वर्क विद बहुत सारी मैंने नेशनलिटीज़ के साथ काम किया। द बेस्ट थिंग जो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, हमारा एज अ पाकिस्तानी, एज अ नेशन, हमारा IQ और हमारा जो स्ट्रेंथ है, जो नॉलेज है, इसका मैच नहीं है दुनिया में। वी आर द बेस्ट। अनफॉर्चुनेट क्या है, हमें एहसास नहीं है। सो दैट्स द अनफॉर्चुनेट। द सेकंड अनफॉर्चुनेट चीज जिसको मैं आई रिक्वेस्ट यू कि एक चीज़ जो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, वो ये है कि अपने टाइम की कदर करना सीखें। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। अगर आप हर 10 मिनट के बाद व्हाट्सएप नहीं चेक करेंगे तो दुनिया को कुछ नहीं होगा, आपकी सारी फैमिली, रिश्तेदार, पाकिस्तान, दुनिया उधर ही रहेगी। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। अगर फेसबुक पे लाइक्स, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम पे लाइक्स नहीं देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फ़र्क पड़ेगा अगर आपने अपना काम नहीं किया। वो शाहजी ना एक डॉक्टर स्टीफन कवी को कोट करते होते हैं अक्सर अपने स्पीचेस में। डॉक्टर स्टीफन कवी ये कहते हैं कि आई एम द प्रोडक्ट ऑफ माई चॉइसिस। ठीक है, आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, यू चूज टू बी हेयर। आपने सेलेक्ट किया है कि आज आप यहाँ बैठे हैं। आप इस वक्त घर में बैठे सो भी सकते थे, टीवी भी देख सकते थे, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने, सो यू आर द प्रिविलेज्ड वन जिन्होंने सेलेक्ट किया कि नहीं, हमने अपने कैरियर के लिए कुछ करना है। सो दिस इज योर फर्स्ट डिसीजन कि यू टेक चार्ज ऑफ योर कैरियर। और मूविंग फॉरवर्ड, अभी मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अभी ना एक CRM है, मैं आपके साथ इंशाल्लाह, शाहजी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है तो मैं आपके साथ काम करूंगा इंशाल्लाह। हम ना इस वक्त जिस एरा में रह रहे हैं ना, दिस इज़ द बेस्ट थिंग, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब यकीन करें IT की फील्ड में इतनी डिमांड है कि आपकी सोच है, सिर्फ हमने करना ये है कि हमने राइट चीज़ को हिट करना है। हमने सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी, हमने वो काम करना है जो इंडस्ट्री को नीड है। इस वक्त मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। एक प्रोडक्ट होती है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इट्स अ टूल। जैसे एक ERP होता है ना, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग टूल, इसे एक CRM होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल। हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन एक नेक्स्ट जेन मीन्स कि अभी जो करंट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, नेक्स्ट जेन मीन्स कि नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी हमको उसको एम्बेड करना चाह रहे हैं CRM टूल के साथ, थोड़ा एडवांस काम करना चाह रहे हैं। यू विल बी सरप्राइज कि हमें लोग नहीं मिल रहे हैं। परसों मैं इंटरव्यू कर रहा था, कहाँ पे शाहजी? बुल्गारिया में। अब बुल्गारिया में बच्चे बैठे हुए हैं जो जिन्होंने वो चीज़ पढ़ ली है, और अब हम उनको हायर कर रहे हैं। वो टर्की और पाकिस्तान और कजाकिस्तान के साथ काम करेंगे, बट दे विल बी सिटिंग इन बुल्गारिया। वो पाकिस्तानी क्यों नहीं हो सकता?
ठीक, अपॉर्चुनिटी बहुत है। एक सिंपल सी चीज़ है, अब हर किसी के पास आई एम अज्यूमिंग के इंटरनेट की एक्सेस है, हर किसी के पास है। अगर सिर्फ इंटरनेट पे डॉट नेट लिखें, डॉट नेट इज अ वेरी वेरी लाइक, मुझे कहना नहीं चाहिए बट इट्स अ 3 मंथ्स कोर्स, 4 मंथ्स कोर्स, जिसमें 4 महीने के बाद बच्चा सीख जाता है। इट्स अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल है। इतनी डिमांड है सिर्फ डॉट नेट के कंसल्टेंट्स की या डेवलपर्स की। मसला क्या है? मसला ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चे पढ़ा के बाहर भेज देते हैं, वो बेचारे ग्रेजुएशन मास्टर्स करके आ जाते हैं, बट जो इंडस्ट्री में नीड है ना वो उस पर वो तैयार नहीं होते। सो आई अगेन से कि थैंक यू वेरी मच टू शाह जी, उन्होंने एक ऐसा फोरम डेवलप किया है और आप लोग बहुत लकी हैं, अल्लाह की रहमत से आप लोग सेलेक्ट हुए हैं। प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी को अपना लाइफ चेंजिंग इवेंट कंसीडर करें। वो कहते ना जी कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट स्लोली, तो इसको एक्सेप्ट करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और आज एक फैसला करके उठे यहाँ से कि टाइम वेस्ट नहीं करना, अपनी लाइफ का चार्ज लेना है। ब्लेम करना छोड़ें कि मैं तो पढ़ लेना था बस, वो मेरी कज़न की कॉल आ गई, 1 घंटा उसने मेरा बर्बाद कर दिया। स्टॉप डूइंग इट। अगर आप किसी ऐसे दोस्त के साथ बैठे हैं या बैठी हैं जो कि टॉक्सिक है, जो कि सिर्फ आपको ये बता रहा है ओए पाकिस्तान की इकॉनमी तो डूब गई, दुनिया तो बस अगले साल कोविड की वजह से तो सब कुछ बंद हो जाएगा, अगर आप उसके साथ टाइम स्पेंड करें, दिस इज योर चॉइस, स्टॉप डूइंग दिस। एक शाह जी सॉरी, वो एक थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया जी। एक ना जनरल कमेंट आता है, जो मैं IT की फील्ड में हूँ ना, तो मेरा अक्सर लोगों से रहता रहता है, तो बच्चे ये कहते हैं जी कि वो दुबई में पहले काम ठीक था, अब इकॉनमी डाउन हो गई। ये ना आपने दुबई खरीदना है, अरे तो एक जॉब चाहिए ना। स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप लिसनिंग दोज पीपल जो नेगेटिव बात करते हैं। यकीन करें अल्लाह पाक ने हमें बहुत ताकत दी है, ये जो ऊपर ये दिमाग है ना, जस्ट टेक चार्ज ऑफ दिस, स्टॉप सेंडिंग एनी नेगेटिव थिंग, इसको फीड करें। वो शाह जी की बहुत सारी किताबें हैं, शाह जी की एक वो USB है, CD है, वो ले, मेक अ हैबिट, हर अपने स्केड्यूल में 30 मिनट रोज के आज ही रख दें, जिसमें आपने कासिम अली शाह की कोई बुक पढ़नी है, कोई आपने 30 मिनट के लिए लेक्चर सुनना है, कोई वीडियो देखनी है, और इसको अंधेरी या बिजली चली जाए, जस्ट डू समथिंग कि आप वो 30 मिनट कमिट करें कि वो आपने 30 मिनट लगाने हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शाह जी का आप जब आप लेक्चर सुनेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, तो आप जो माइंड मेकअप है ना, जो दिमाग आपको चाहिए दुनिया में अपनी लाइफ बनाने के लिए, यू विल गेट दैट इन्फॉर्मेशन। और हम यकीन करें, मैं बहुत सारे दुल मुल्कों में फिरा हूँ, मैं बहुत सारे जो अंग्रेज मोटिवेटर हैं वो सबसे मैंने उनसे किया है, लेकिन 2 साल हो गए हैं मैं शाह जी को आके सलाम करता हूँ। द रीज़न इज कि द लैंग्वेज जिसमें हमें समझ लगती है ना, वो जब उसमें बात समझाई जाती है ना, तो हमें वाकई समझ लगती है। वो कहते हैं ना गट में समझ लगी है, तो जब वहाँ समझ लग जाती है ना, जैसे टोनी रॉबिन्स कहता था कि वो जनरली लोग उसको ये कहते हैं कि जब मुझे 10 साल लगे चेंज होने में, वो कहते हैं नहीं, चेंज होने में 10 साल नहीं लगते, चेंज होने में मूवमेंट चाहिए होता है, उस मूवमेंट तक पहुंचने में आपको 10 साल लग जाते हैं। तो इसलिए आई एम सेइंग कि आज फैसला करके उठे, स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया, और वो जो आप टाइम बचाएंगे ना, बिलीव मी, जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, 2 से 3 घंटे अ डे सोशल मीडिया अननेसेसरी TV के पास बैठे चैनल चेंज करते रहते हैं हम लोग। स्टॉप डूइंग दैट, यकीन करें वो बंद कर दें वो काम करना। अगर आप चैनल्स नहीं भी स्विच करेंगे या किसी एक्स चैनल पे कोई ड्रामा नहीं भी देखेंगे, दैट्स ऑल राइट, कंसीडर योर सेल्फ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप है। एक चीज जो आपको कभी वापस नहीं मिल सकती, वो टाइम है। वो गाड़ी के ऊपर नहीं ना, वो सेकंड वाली स्विच जाई जा रही है, वो वापस कभी नहीं आती। जो 1 मिनट जो आपका निकल गया वो गया। अब इट्स अप टू अस कि हमने उसको प्रोडक्टिव बनाना है, हमने सोशल मीडिया के ऊपर कोई लाइक करना है, या हमने कोई ऐसा TV चैनल देखना है जिसका हमें पता भी नहीं है, और बाद में सोचेंगे कि पता नहीं मैंने क्यों देखा था। ठीक है ना, चले, थैंक यू वेरी मच जी, तो बहुत शुक्रिया।
विश यू ऑल द बेस्ट। फैसला करके उठे कि आज आपने कमिट किया अपने साथ कि आपने काबिल बनना है, आपने पाकिस्तान की पहचान बनना है। अब यकीन करें बहुत है अपॉर्चुनिटी, ऊपर बहुत जगह खाली है, इंतजार में है लोग के कोई काबिल लोग आए और आके चीजें संभालें, ठीक है। और सीरियस नहीं होना, स्माइल देने थोड़ी सी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। Thank you.